तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का मेथड डिस्कस किया, तो उम्मीद करते हैं मेथड आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोग एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है ऑर्डिनरी पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए होगी, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर अ सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हमने एक सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर कर लिए, जनरल इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, ए नॉट एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में लिखा ए वन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में लिखा हुआ है ए टू एक्स वाई इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट एक्स ए वन एक्स ए टू एक्स आर द फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे जो ए नॉट एक्स लिखा हुआ, ए वन एक्स लिखा है, ए टू एक्स लिखा है, ये सभी जो होंगे वो फंक्शन होंगे किसके, एक्स के होंगे। तो ये तो हो गए सेकेंड ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट होते क्या हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा ऑर्डिनरी पॉइंट, ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए क्यों लिया, एक कॉन्स्टेंट है, ए की वैल्यू जीरो हो सकती है, वन हो सकती है, टू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड ऑर्डिनरी पॉइंट। जो एक्स इक्वल टू एक पॉइंट ए ले रखा, इसी को हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट कहेंगे। कब कहेंगे, देन अगर ए नॉट एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं आएगी। यानी कि यहाँ पे जो ए नॉट एक्स दे रखा है, यहाँ पे ये फंक्शन किसका होगा, एक्स का फंक्शन होगा। जो आपको इक्वेशन दे रखी है वहाँ पे ये फंक्शन ओनली एक्स का होगा। एक्स इक्वल टू जो भी हमें पॉइंट दे रखा होगा, अगर हम लोग पॉइंट रखते तो वहाँ पे अगर वैल्यू जीरो नहीं आएगी पॉइंट रखने पर, यानी कि एक्स इक्वल टू ए रखने पर अगर जीरो ए नॉट जीरो नहीं आता है, तब ये वैल्यू जो है तो ये पॉइंट जो कहलाएगा वो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। एंड सेकेंड नंबर पे लिखा हुआ है सिंगुलर पॉइंट, ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। एक्स इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो सिंगुलर पॉइंट भी कहला सकता है, देन कब, अगर ए नॉट एक्स जीरो हो जाए, किस पे, एट एक्स बराबर ए पे। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक्स इक्वल टू ए पे ए नॉट एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो के आएगी तो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलर पॉइंट जो है वो दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट लिखा हुआ है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, सेकेंड होता है इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इसमें दो दो कंडीशन है। यहाँ पे देखिए, जो कंडीशन नंबर फर्स्ट है सेम यही रहेगी, ए नॉट एक्स जो है वो जीरो होना चाहिए, किस पे, एक्स इक्वल टू ए पे। तो दोनों में ये सेम कंडीशन है कि सेकेंड कंडीशन यहाँ पे डिफरेंट है। एंड सेकेंड कंडीशन से ये हमें पता लगाएं कि ये पॉइंट सिंगुलर पॉइंट होगा, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो सेकेंड कंडीशन लिखी हुई, लिमिट एक्स टेंस टू ए दे रखी है, एक्स माइनस का है, ए क्या है यहाँ पे पॉइंट होगा, ए वन एक्स अपॉन ए नॉट एक्स क्या, ए वन एक्स की वैल्यू ये लिखी होगी, ए नॉट एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखी होगी। वैल्यू पुट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी उसमें अगर हम लोग एक्स टेंस टू ए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो अगर इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, यानी कि कोई ना कोई अगर हमें फाइनाइट वैल्यू मिल रही होगी, तब ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एंड कंडीशन नंबर सेकेंड है, लिमिट लगाने पर एक्स टेंस टू जीरो आना चाहिए, एक्स माइनस का ए का स्क्वायर लिखा हुआ, ए टू एक्स अपॉन में लिखा हुआ ए वन एक्स, ये दोनों ही कंडीशन अगर हम लोग सॉल्व करते हैं लिमिट लगाने पर इनफाइनाइट नहीं बनी चाहिए, यानी कि कोई ना कोई हमें फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तब हम लोग कह देंगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। एंड यहाँ पे अगर कोई भी एक कंडीशन इन्फाइनाइट बन जाती है तो ये इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, यानी कि कोई अगर एक कंडीशन इन्फाइनाइट बनेगी तब भी ये इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। एंड अगर दोनों ही कंडीशन में इन्फाइनाइट बन जाए तब भी ये इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, अगर ए नॉट एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो के आएगी तो ऑर्डिनरी पॉइंट कहलाएगा, ए नॉट की वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाएगी तो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलर पॉइंट की दो कंडीशन, या तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। फर्स्ट वाली कंडीशन सेम रेगुलेशन दे रखी है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस का ए नॉट अपॉन ए ए वन एक्स अपॉन ए नॉट एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर लिखा हुआ होला ए टू एक्स अपॉन ए वन एक्स। अगर इन दोनों को सॉल्व करने पर, लिमिट अप्लाई करने पर अगर कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी कि नॉट इक्वल टू इन्फाइनाइट, ये इन्फाइनाइट नहीं आनी चाहिए, तब ये कहलाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। एंड अगर कोई भी एक वैल्यू हुआ, दोनों ही वैल्यू फाइनाइट बन जाएंगी, तो ये इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। तो उम्मीद करते ऑर्डिनरी और सिंगुलर पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए लिखा गया, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का लिखा है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस में लिखा है एक्स माइनस का फाइव वाई इक्वल टू जीरो। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यानी कि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो वैल्यू है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके प्रूवमेंट में आ जाएगा, यानी आपको पॉइंट दे रखा होगा। एंड जिनके एमसीक्यू थे उन्हें जो भी ऑप्शन में पॉइंट दे रखा उन्हीं पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है एक्स इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो पर चेक करें, तो सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लें, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो वैल्यू इक्वेशन गिवन में हमें दे रखी है उसे हमने एडिटर लिख दिया। एंड जो हमने आपको इक्वेशन कंसीडर करी उससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे और ए नॉट एक्स ए वन एक्स और ए टू एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ए नॉट एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ए नॉट एक्स की वैल्यू आ रही है टू एक्स स्क्वायर, ए वन एक्स की वैल्यू आ रही है माइनस का एक्स एंड ए टू एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स माइनस का फाइव।
अब हम लोग सबसे पहले तो चेक करें कि ए नॉट एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब जीरो पे ही क्यों चेक करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या दिखा हुआ है, इसके ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन थे सभी में दे रहे थे एक्स इक्वल टू जीरो पे ही पॉइंट क्या होगा, एंड जिनके पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके में भी पॉइंट दे रखा होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू जीरो पे जब हम लोग यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, देखिए ए नॉट एक्स के लिए क्या रखना है, जीरो रखना है, टू एट जेड लिखा रहा है एक्स के लिए जीरो, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर की तो ये वैल्यू रहेगी जीरो, यानी कि ए नॉट जीरो की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो वैल्यू क्या आ रही है भाई, जीरो आ रही है, इसका मतलब ये ऑर्डिनरी पॉइंट तो नहीं होगा, अब सिंगुलर पॉइंट होगा। अब सिंगुलर में भी इन्होंने कहा इसका ऑप्शन आ रहा है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, तो कौन सा, कुछ चलिए उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने आपको फॉर्म कंडीशन नंबर फर्स्ट सेटिस्फाई करी, ये सिंगुलर पॉइंट ही होगा। एंड अब देखिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन नंबर सेकेंड यानी कि लिमिट x टेंस टू a, a की वैल्यू क्या चल रही है जीरो, फिर x माइनस का या a यानी कि चलिए पहले यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला था x टेंस टू a, x माइनस का a, ए वन एक्स अपॉन में आ जाएगा a नॉट x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग a की वैल्यू क्या लेके चलेंगे जीरो, और a वन और a नॉट की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो लिमिट लगाएंगे x टेंस टू जीरो x माइनस का जीरो, a वन x की वैल्यू क्या चल रही है माइनस का x, अपॉन में देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या चल रही है टू एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस का जीरो वैल्यू आ जाएगी एक्स, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वो भी माइनस का अपॉन में चल रहा है टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एंड माइनस का वन बाई टू आ रही है वैल्यू। अब यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तब भी देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का वन बाई टू, एंड ये एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। अब कंडीशन नंबर सेकंड को भी हम लोग क्या करते हैं टेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगली कंडीशन थी लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे आ रहा था x माइनस a का स्क्वायर एंड a टू x अपॉन में आ जाएगा a नॉट x, इन दोनों की भी वैल्यू यहाँ पे पुट गई, तो लिमिट आ जाएगी x टेंस टू जीरो x माइनस का जीरो का स्क्वायर, a टू x की वैल्यू चल रही है यहाँ पे देखिए a टू x की वैल्यू चल रही है x माइनस का फाइव अपॉन में लिखा हुआ है a नॉट x, तो यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है x माइनस का फाइव लिखा है अपॉन में लिखा है टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो यानी कि लिमिट आ जाएगा x टेंस टू जीरो, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी वन बाई टू एक्स माइनस का फाइव। अब देखिए जब इसे आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी x बाई टू माइनस का फाइव बाई टू, ये लिखी हुई लिमिट x टेंस टू जीरो। अब देखिए यहाँ पे आप जब लिमिट रखेंगे तो ये वाली वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बट यहाँ पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा माइनस का फाइव बाई टू। तो अब ये देखिए ये भी वैल्यू क्या है नॉट इक्वल टू आ रही है इन्फिनिटिव के, एंड ये वैल्यू भी आ रही है नॉट इक्वल टू इन्फिनिटिव, यानी कि दोनों ही वैल्यू कैसी आ रही है फाइनाइट वैल्यू आ रही है। तो जब दोनों ही फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ये पॉइंट जो हो जाएगा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। कंडीशन अगर यहाँ पे एक इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन इन्फिनिटिव बन जाती तो ये कौन सा कराता इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट कराता, बट यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो इज द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा इसे नोट करिए। सेम इसी मेथड से हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन ही दे रखी, इसका भी राइट आंसर आ रहा है एक्स इक्वल टू जीरो इज नॉट सिंगुलर रेगुलर, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे ये नॉट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए एमसीक्यूज में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो एमसीक्यूज के बेस पर ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपेयर करेंगे तो ए नॉट एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रही है एक्स स्क्वायर आ रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है ए वन एक्स की, ए वन एक्स की वैल्यू आ रही है टू, ए टू एक्स की वैल्यू आ रही है एक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे हमें चेक करना है, तो एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे तो ए नॉट जीरो की वैल्यू आ गई है जीरो, तो वैल्यू जीरो आ रही, यानी कि ये सिंगुलर पॉइंट होगा बट रेगुलर सिंगुलर इन्होंने कहा नहीं है, तो इसका मतलब इन रेगुलर सिंगुलर होगा। तो चलिए कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू सबसे पहले हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें जीरो, x माइनस का जीरो रखेंगे तो ओनली आपको क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा, a1 वन अपॉन ए नॉट, तो a1 की वैल्यू क्या चल रही है टू चल रही है, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा यानी कि लिमिट x टेंस टू जीरो आएगा टू अपॉन x आएगा, यहाँ पे जब आप लिमिट जीरो रखेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी इन्फिनिटिव मिल जाएगी। एंड अगर एक कंडीशन भी इन्फिनिटिव बनती है यानी कि ये रेगुलर सिंगुलर नहीं होगा तो कौन सा होगा इन रेगुलर सिंगुलर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए नॉट जो है वो जीरो के इक्वल आ गया यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन नंबर फर्स्ट देखिए यहाँ पे क्या आ गई इन्फिनिटिव आ गई, तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा, इसका मतलब ये कौन सा होगा इन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट भी होगा, चाहे तो आप सेकेंड वाली कंडीशन भी टेक कर लीजिएगा, ठीक है। वरना अगर एक कंडीशन इन्फिनिटिव आ जाती तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो पॉइंट होगा वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई, सॉरी
हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है यहाँ पे 2x² d2y/dx² + 7x, एंड लिखा हुआ है x+1 dy/dx - 3y = में लिखा हुआ है 0। इसमें भी सेम कंडीशन को फॉलो करिए। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे a0x की वैल्यू आ रही है 2x², a1x की वैल्यू आ रही है 7x² + 7x, यहाँ पे हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ली, ठीक है। एंड a2x की वैल्यू आ रही है -3। अब यहाँ पे x = जब आप 0 रखेंगे तो a0 की वैल्यू आपको फिर से क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। और जैसे ही वैल्यू 0 मिले, यानी कि ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा, एंड इसका राइट आंसर आ रहा है x = 0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट। यानी कि इन्होंने ऑप्शन यही दे रखा कि बताइए ये जो इक्वेशन दे रखी है x = 0 पे ये पॉइंट जो है वो ऑर्डिनरी पॉइंट है भी या नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा x = 0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट। चलिए चेक करते हैं ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इनरेगुलर सिंगुलर पॉइंट। तो लिमिट आ जाएगी x → 0, x - 0, a1x / a0x। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखेंगे तो a1x की वैल्यू रखिए, a1x 7 आ रहा है, x² यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन वाली वैल्यू, यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी ओनली x। तो लिमिट x → 0, x लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 7x, x + 1 / आ जाएगा 2x², x² से x² कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको वैल्यू मिल जाएगी लिमिट x → 0 7x + 1 / 2। एंड जब आप यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आपको 7/2 इसका आंसर मिल जाएगा, 7/2 आ रहा है, यानी कि ये जो है इन्फिनिटी नहीं आ रही है, नॉट इक्वल टू आ रहा है इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, सेकेंड वाली कंडीशन भी टेक कर लीजिए। सेकेंड वाली कंडीशन जब आप यहाँ पे टेक करेंगे तो देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे पॉइंट x = 0 ही चल रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे तो x - 0² a2x की वैल्यू चल रही है -3 a0x की वैल्यू चल रही है x 2x², तो ये लिखा हुआ 2x², x² से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे -3/2 आंसर मिलेगा। एंड ये जो वैल्यू जब आप रखेंगे तो -3/2 मिलेगा, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी के इक्वल नहीं, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू वो फाइनाइट आ रही है। तो जो तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर ये जो है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। यहाँ पे इसका राइट आंसर तो यही आ रहा है कि x = 0 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, एंड अगर ऑप्शन में लिखा हो x = 0 पे ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो इसका ये राइट आंसर भी हो जाएगा क्या, कि x = 0 पे ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है, बट x = 0 पे ये सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो उम्मीद करते क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया x²(1 - xy") + में लिखा हुआ xy (y = 0, इसका राइट आंसर आ रहा है x = 1 इज अ सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, यानी कि x = 1 पे इक्वेशन जो है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट दिखा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन दे रही है गिवन में लिख ली, यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, a0x की वैल्यू आ रही है x²(1 - x), a1x की वैल्यू आ रही है x, एंड a2x की वैल्यू आ रही है 1। सबसे पहले हम लोग x = 1 पे टेक करेंगे, एट x = 1 तो a0 1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x², तो x² यानी कि 1 रखेंगे, और 1 - 1 वैल्यू 0, यानी कि a0 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो भी 0, यानी कि a0 x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, तो ये ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होगा। कंडीशन नंबर सेकंड टेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x → a, a की वैल्यू क्या चल रही है, a की वैल्यू 1 चल रही है, x - a यानी कि x - 1, a1x आएगा / a0x, a1x की वैल्यू चल रही है x, a0x की वैल्यू चल रही है x² (1 - x), लिमिट x → 1। एंड जब आप इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे चल रहा है x - 1, यहाँ पे लिखा है 1 - x, माइनस कॉमन ले लीजिए, और x से x एक कैंसिल हो जाएगा, तो 1/x बचेगा x - 1, यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 1। एंड देखिए x - 1 ये वैल्यू हो जाएगी कैंसिल, यानी कि लिमिट x → 1 लिखा हुआ है, 1/x लिखा है, जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1/1 यानी कि वैल्यू आ जाएगी 1, नॉट इक्वल टू इन्फाइनिटी, यानी कि ये जो वैल्यू फाइनाइट वैल्यू आ रही, यानी कि इन्फाइनाइट नहीं आई, तो वैल्यू कैसी आ रही, फाइनाइट आ रही। अब टेक करते हैं कंडीशन नंबर सेकंड को भी सॉल्व करते हैं, लिमिट x → 1 एंड यहाँ पे आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, a2x की वैल्यू चल रही है 1/1 a0x यानी कि x² आ जाएगा 1 - x, यहाँ पे भी फिर से क्या करेंगे, माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट x → 1 x - 1 लिखा हुआ है 1/x²
एक्स माइनस का वन, ये लिखा हुआ है माइनस। अब देखिए यहाँ पे पावर क्या चल रही है, टू चल रही है, यहाँ पे पावर कितनी है वन, तो एक पावर हो जाएगी कैंसिल एंड यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स माइनस का वन अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस में वैल्यू आई तो लिमिट एक्स टेंस टू वन, देखिए एक्स अपॉन यहाँ पे दो पार्ट में से डिवाइड करिए, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का वन अपॉन एक्स एंड यहाँ पे जब लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी माइनस का वन प्लस का वन जो कि कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी जीरो एंड जीरो आई तो इन्फिनिटी नहीं आई, यानी कि ये भी वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट वैल्यू यानी कि जीरो आ रही है। तो दोनों ही कंडीशन में ये वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है और जीरो के इक्वल आर ए नॉट एक्स जीरो है, दोनों ही वैल्यू फाइनाइट आ रही है, दोनों ही कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हो जाएगा एक्स इक्वल टू जीरो इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर कोई भी एक वैल्यू इन्फिनिट होती तो ये कौन सा हो जाता, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो जाता। तो उम्मीद करते समझ में आ गया होगा कि हम लोग कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसका रेगुलर पॉइंट क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट क्या होगा, कैसे फाइंड करते। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे वो एमसीक्यूज में आए हुए, तो उम्मीद करते आपको समझ में आ गए, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।